नमस्कार दोस्तों, HSC और SSC एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले राइटिंग स्किल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। HSC एग्जामिनेशन में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको लगता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, 80 तो क्वेश्चन पूछने हैं या 10 क्वेश्चन पूछने हैं, काफ़ी ईजी होता है और मार्क्स भी मिल जाते हैं। सुनने में जितना ईजी लगता है उतना ही गहरा क्वेश्चन है। अच्छी स्कोरिंग के लिए आपको आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन सही होना ज़रूरी है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाएं ताकि इस चैनल के आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। HSC एग्जामिनेशन में आपको किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, ग्रेट पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, एक्टर्स, हीरोज, सक्सेसफुल पर्सन्स, क्रिकेटर्स एट्सेट्रा या किसी विक्टिम्स का आपको इंटरव्यू लेने के लिए पूछा जाता है और आपको 8 या 10 क्वेश्चन फॉर्मेट करने होते हैं और वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। इसका कुछ क्राइटेरिया भी है कि जो किस तरह से लिखा जाए। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके इस क्वेश्चन के जो भी समस्या है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। आपके कुछ स्टार्टिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन एकदम पर्सनल और रिलेवेंट होना चाहिए। आप व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फेवरेट हीरो एट्सेट्रा, ऐसे सवाल आप नहीं पूछ सकते। साथ ही में किसी को ठेच पहुंचाने वाले या किसी के मन को दुखाने वाले ऐसे क्वेश्चन या भावनात्मक क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। आप जिनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो सफलता की चिड़िया चढ़ चुके होते हैं और उनकी जीवन की शुरुआत ही काफ़ी मायने होती है, क्योंकि शुरुआती इम्पैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सक्सेस मीन्स टू स्टार्ट ओनली, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो आप उनके जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कीजिए, यानी आप उनसे ये पूछिए कि आपने इस फील्ड में आपकी लाइफ कब शुरू की, आपने अपनी जीवन की शुरुआत कैसे की, यानी व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन दिस फील्ड। उनकी फील्ड कोई भी हो, सोशल हो, पर्सनल हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, फैशन या बिजनेस हो, कोई भी हो, ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के ही रैंकिंग में रखना, यानी स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से करना। कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी सक्सेस पाने के लिए कई समस्याओं से जूझता है, बड़ी बड़ी समस्याओं से या कठिनाइयों से लड़ता है। सक्सेसफुल बनने के लिए उसको सक्सेसफुली फेस करने का प्रयास करता है और उससे ही सीख के अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आगे बढ़ता है। जीवन में आने वाली समस्याओं पर विक्टोरियस बन जाता है। तो आपके भी मन में सवाल उठे होंगे कि उन्होंने कौन सी समस्याओं का सामना किया है, ये जानने के लिए आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने अपने जीवन में कौन सी चुनौतियों का सामना किया है, व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस इन योर लाइफ। और इन चुनौतियों का सामना करते करते आदमी कभी कभी बिखर जाता है, टूट जाता है। ऐसा कोई ना कोई जीवन में होता है जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका आधार बन जाता है, कैमरेड बन जाता है, उसको चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, यानी ग्रेट पर्सनालिटी, फादर, मदर, बुक, पोएम या कोई प्रोवर्ब भी हो सकता है। तो उनको चुनौतियों से लड़ने के लिए सिखाता है। उनके बारे में आप जानना चाहेंगे रियली? तो आप उनसे अगला सवाल कीजिए, वो कौन है जो आपके जीवन में आपको प्रेरणा दे रहा है, यानी हु इज योर इंस्पिरेशन। और उसके साथ आपने इन चुनौतियों का सामना भी किया है और विक्टोरियस भी बने हैं, तो क्या आप अकेले बने हैं? नहीं। हाउ डिड यू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ, कैसे आपने उन समस्याओं को छुड़ाया है, उस पर विक्टोरियस बने हैं। सो कोई भी व्यक्ति लोगों के सपोर्ट बिना सक्सेसफुल नहीं बन सकता है, लोकेलिटी में नहीं आ सकता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको लोगों का सपोर्ट लेना जरूरी है। सो इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं, हाउ डिड पीपल सपोर्ट यू, आपको लोगों ने कैसे सपोर्ट किया है। उसी के साथ कोई भी हो, हर व्यक्ति को नेशन कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको हेल्प करता है, तो अपॉर्चुनिटी ये भी जरूरी है। जैसे लोग सपोर्ट करते हैं वैसे ही आपको बड़ा बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको लीडिंग करने के लिए गवर्नमेंट देती है, यानी सरकार भी देती है। पूछिए उनसे, गवर्नमेंट ने आपको कैसे कैसे सपोर्ट किया है, सरकार ने आपको किस तरह से मदद की है, हाउ डिड द गवर्नमेंट हेल्प यू। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू मस्ट पुट इन योर इंटरव्यू क्वेश्चन।
हाउ डिड द गवर्नमेंट हेल्प यू। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई इवेंट्स आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं जो आदमी को हमेशा आनंदी बनाए रखता है। ऐसे इवेंट्स और एक्सपीरियंस काफी सुकून दिलाते हैं। ऐसा ही एहसास दिलाने वाला आप क्वेश्चन आगे पूछिए, यानी आपके जीवन का एक सुनहरा किस्सा बताइए जो कि आपको आनंद दिलाता हो, या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके जीवन का सुनहरा पल कौन सा है। टेल अस एनी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ दैट यू डिलाइट मोस्ट। वेल, उनको तो सक्सेस मिल गया, उनके जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो गया, क्या अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं रहा? क्या अब वो कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते? क्या उनकी जीने की चाहत खत्म हो चुकी है? उनके जीवन का अब आगे कोई भी लक्ष्य नहीं रहा? उनका विजन क्या है? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? ये भी आपको जानना जरूरी है। सो आप ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट विजन इन योर लाइफ। आपके जीवन का अगला लक्ष्य क्या है? आप आगे जाके जीवन में और क्या पाना चाहते हैं? सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कीवर्ड्स होते हैं और उसे ही सक्सेस का सीक्रेट माना जाता है। उसे आप कैसे समझेंगे, वो मैसेज के फॉर्म में होता है, वही आपको समझना होता है। आप उनसे पूछिए कि आपके पास ऐसा कोई सीक्रेट है जो हमारे लोगों को सक्सेसफुल बना सकता है? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके कारण वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल बने और ग्रेट पर्सनालिटी बने? तो आप उनसे पूछिए, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव अवर यूथ। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछिए और ये रैंकिंग में आपको लास्ट ही रखना है। दोस्तों, HSC एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इसी सीक्वेंस से लिखना है। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन का सिलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही स्टार्टिंग और एंडिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग के साथ आप एंडिंग भी कैसे करेंगे, ये कुछ स्किल है। हर एक व्यक्ति का स्टाइल अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिखता है, तो आप पे निर्भर होता है कि आप कैसे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं तो ऐसे स्टार्ट करूँगा, वेलकम सर और मैडम। अगर लेडीज़ है तो आप मैडम यूज़ करिए, और जेंट्स है तो आप सर यूज़ कीजिए। हर एक व्यक्ति खुद में सक्सेसफुल होता है तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी दीजिए, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सक्सेसफुल लाइफ। वेल सर, when and how did you start your journey in this field? So this is the first question in first rank. What difficulties did you face in your life? This is the second question. Who is your inspiration? This one is the third. How did you overcome these difficulties of your life? So this is the fourth ranking question. How did people support you? This is the fifth ranking question. How did the government help you? आपको government ने कैसे मदद किया है? Tell us any memorable event of your life that you delight most. आपके जीवन का एक सुनहरा पल आप बताइए। What will be your next vision in your life? आपके जीवन में आप next क्या करना चाहते हैं? पड़ाव क्या है आपके जीवन का? What message would you like to give our youth? So this is the last ranking question. You must keep this. So last में आपको ending करना है, thank you sir or madam that you share your experience with us and give us your valuable time. Farewell sir. एंड इसी के साथ आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लोज कीजिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरव्यू क्वेश्चन का सिलेक्शन और लास्ट एंडिंग, सो दीज आर द मेन कंटेंट्स इन द इंटरव्यू क्वेश्चंस। लास्ट में आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, प्रेजेंटेशन पे भी कुछ मार्क्स होते हैं, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। वैसे ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना है तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूलें। कई कई बच्चे क्वेश्चन मार्क्स देना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स देना जरूरी होता है, तो इससे आपके मार्क्स बच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और शेयर भी कीजिए। उसी के साथ कोई आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स में भी लिखिए। धन्यवाद।